अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए वॉशिंगटन में दो दिन तक चलने वाली वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन चीन अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता में चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दूत का कहना है कि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता एक मामूली झटका है, और चीन से अमेरिका में होने वाले सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिए जाने के बावजूद वार्ता आगे जारी रहेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार वॉशिंगटन से शुक्रवार को बीजिंग के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में चीन के उप प्रधानमंत्री लियो ही ने कहा कि वो सतर्कता के साथ आशावादी थे, लेकिन किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को अरबों डॉलर के चीनी माल पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क को समाप्त करने पर सहमत होने की जरूरत है। चीन के सरकारी सीसीटीवी में कही गई टिप्पणियों पर लियू ने कहा कि जो मतभेद रह गए हैं वो काफी संवेदनशील हैं। ये सिद्धांतों से जुड़े हैं और हम सिद्धांतों के मामले में कोई रियायत नहीं देते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि वार्ता टूट गई है। हांगकांग के फिनिक्स टीवी ने उन्हें ये कहते हुए दिखाया, इसके विपरीत मुझे लगता है कि ये दो देशों के बीच की बातचीत में एक मामूली झटका है जो कि लाजमी है। लियू ने कहा कि चीन की राय है कि टैरिफ ही व्यापार को लेकर हो रहे विवाद की शुरुआती बिंदु है और कोई समझौता होने की स्थिति में इसे पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को चीन से आयात होने वाले अरबों डॉलर के सामान पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कहा कि अमेरिका 300 अरब डॉलर के ऐसे चीनी उत्पादों को कर के दायरे में लेने के लिए शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जो आयात करके दायरे में नहीं आए हैं। ये टैरिफ 5000 से ज्यादा वस्तुओं पर लगाया जाएगा। दोनों देशों के बीच टकराव का ये सिलसिला पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने पहली बार चीनी उत्पादों पर नए टैरिफ लगाए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो करीब करीब चीन से आयात होने वाले प्रत्येक सामान पर शुल्क लगाने की तैयारी है। लियू ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर असहमति है कि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने में मदद के लिए चीन कितना सामान अमेरिका से खरीदने की प्रतिबद्धता जताता है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम आसानी से अपना विचार नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा, हमारे बीच कुछ दस्तावेजों में कुछ शब्दों को लेकर मतभेद था और हमें इन मतभेदों को सुलझा लेने की उम्मीद है, इसीलिए हम इस मामले में बढ़ चढ़कर प्रक्रिया देने को अनावश्यक मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।